powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is a much better place than many other nations. We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. कहता हूं आप जरूर करिए, एक काम करिए, जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछकर मोबाइल उठाइए और अपने दादा दादी नाना नानी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए, अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करिए। जैसे आपने टीवी पर देखा होगा ना कैसे पत्रकार इंटरव्यू करते हैं, बस वैसा ही इंटरव्यू आप कीजिए। और आप उनसे सवाल क्या करेंगे, मैं आपको सुझाव देता हूं, आप उनसे जरूर पूछिए कि वो बचपन में उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन से खेल खेलते थे, कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान में जाते थे, त्योहार कैसे मनाते थे। बहुत सी बातें आप उनको पूछ सकते हैं। उनको भी 40, 50 साल, 60 साल पुरानी अपनी जिंदगी में जाना बहुत आनंद देगा। और आपके लिए 40, 50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था, वहां परिसर कैसा था, लोगों के तौर तरीके क्या थे, सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमूल्य खजाना, एक अच्छा वीडियो एल्बम भी बन जाएगा। साथियों, ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होती है। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करेंगे तो उनके समय की बातों को, उनके बचपन, उनके युवा काल की बातों को और आसानी से समझ पाएंगे। ये बेहतरीन मौका है कि बुजुर्ग भी अपने बचपन के बारे